नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त सचिन एक बार फिर से राजा भाई के साथ। रवि भाई कैसे हैं? बढ़िया है सर, कैसे सचिन भाई? एकदम बढ़िया है। डायरेक्टली साइट पे हैं, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज मिल जाती है। तो सबसे पहले रवि भाई, मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी लोकेशन है ये अपनी? हमारी जो लोकेशन है जी, बिल्कुल मेन लोनी के अंदर है, नगर पालिका के अंदर। ओके, लोनी के अंदर नगर पालिका के बिल्कुल अंदर की जमीन रहने वाली है, यानी कि नगर पालिका का मतलब जो रहेगा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल नगर पालिका के अंदर जमीन है। जमीन ही नगर पालिका की है? अंदर, हाँ जी। अच्छा, यानी कि सारी सुविधाएं जो नगर पालिका देती है वो सारी हमारी जमीन पे देगी? अच्छा, देगी यहाँ पे, यानी एकदम सुरक्षित हो गए अपने लोग तो, कि नगर पालिका की अंदर की जमीन दोस्तों आप लोगों को मिल रही है मेन लोनी के अंदर। कम से कम क्या साइज आप देते हो अपने इस कॉलोनी में? कम से कम 25 गज का साइज। कम से कम 25 गज, 30 गज, 35 गज, 40 गज, 50 गज, 100 गज, जितना मर्जी उतना गज ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यानी कि जिसका जैसे बजट होगा, जो इच्छा होगी, जिसकी जो साइज चाहिए वो मिल जाएगा उनको। तो ये आप लोगों के लिए रहने वाला दोस्तों। कॉलोनी के नाम की बात करूँ, किस नाम से रहेगी? सन सिटी के नाम से हमारी कॉलोनी, सन सिटी नाम से कॉलोनी रहने वाली है। तो अगर आस पास अगर बसाव दिख जाए कैसी रहती है यहाँ पे? पूरी बसाव पता सर देख रहे हैं आप? अच्छा, ये आपने बने हुए लाइट है, पानी देख रहे हैं आप, सब कुछ है, समर हुआ पड़ा है। अच्छा जी, ठीक है। मतलब समर सेविल यहाँ पे करके मिलेगा या फिर लोग करवाएंगे अपना? देखो जो मकान बनाएगा वही बनवाएगा, ऐसी बात है। मुझे लगा आप कहीं की तोहफा दे दो, 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पे कुछ गिफ्ट कर दोगे? अगर ऐसी बात है तो 15 अपने बिल्कुल याद दुआया है जी, तो 15 अगस्त तो बिल्कुल हम समर सेविल करा के देंगे। अच्छा जी, तो दोस्तों जो अगस्त में ले लेगा उसको समर सेविल करा के मिल जाएगा। तो आप लोग 15 अगस्त के धमाकेदार ऑफर रहने वाला है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया पानी वगैरह है, बिजली वगैरह की क्या सुविधा रहती है? कितने? बिल्कुल हमारी 24 घंटे की लाइट है। 24 घंटे बात लोनी नगर पालिका अंदर, तो पूरे अंदर ही 24 घंटे की लाइट है। अच्छा जी, तो मतलब बिजली वगैरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है? हमारे पास ये मुद्दे ही नहीं है कि बिजली पानी सुविधा होंगी, ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे मुद्दे ही नहीं है। तो यानी कि बिजली पानी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों से मैं आपकी बात करवाना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पे जमीन लिया है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? आपका कलीना। तो कितना टाइम हो गया लिए हुए आप लोगों को यहाँ पे जमीन? 2 साल। 2 साल हो गए। कैश या किस्तों पे? किस्तों पे लिया हुआ है। मतलब किस्तें अभी चल रही हैं कि खत्म हो चुकी हैं? रजिस्ट्री। अच्छा, रजिस्ट्री हो गई आप लोगों की? रजिस्ट्री दाखिल खारिज के साथ कराइए। दाखिल खारिज, पक्की रजिस्ट्री हो गई है। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर कुछ सामान होगा लेने आना जाना होता है आप लोगों को, कितनी दूरी पे रहता है? यही सामने दुकान है ना। अच्छा, मतलब सारी चीजें मतलब पास में मिल जाती है कॉलोनी के आसपास में? ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हो कि जो अगर आपको चीजें चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, आसपास में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इग्रजी कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? 2 साल। 2 साल हो चुके हैं। रजिस्ट्री वगैरह हो गई होगी फिर तो? हो गई। किस्तों पे लिया था, कैश लिया था? किस्तों पे लिया था, ठीक है। अच्छा, 2 साल हो चुके, एक चीज बताइए बिजली पानी की कैसा यहाँ पे सुविधा रहती है आपकी? सही रहती है। बिजली कब तक रहती है? बिजली रहती है यहाँ पहले भक्ति कम है, लाइट भक्ति कम है। अच्छा, मतलब जाति कम है यहाँ पे, मतलब रहती है। और पानी वगैरह पीने का कैसा है, मीठा या खारा? सही है पानी पीने का, पीने लायक है। दोस्तों साइड के पास खड़े हुए भी, कहाँ से आते हो आप? रिक्शा वगैरह लेके? टोली मोहल्ले से आता हूँ जी। टोली मोहल्ले से जी, ठीक है। अच्छा, शिवयार वगैरह से भी आते हो इधर? हाँ, शिवयार से भी आते हैं। मतलब इसी रोड पे मतलब रिक्शा वगैरह रेगुलर चलते रहते हैं? परमानेंट चलते हैं। दोस्तों अभी बिल्कुल मेन रोड पे आ चुके हैं। ये पूरा इस साइड अपनी पूरी कॉलोनी है बसी हुई है, जहाँ पे भी सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे जमीन मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं रोड के बारे में जानूंगा, कितने फीट और पक्की रोड मिल रही है अपनी? 50 फुट रोड है ये। 50 फुट काला रोड है, पक्का काला रोड 50 फुट। कहाँ कनेक्ट होता है अगर हम इस साइड जाते हैं दाहिने हाथ को? ये अपना टोल वाले बाईपास पे जाता है सीधा। अच्छा, ये टोल वाले बाईपास और ये सीधा अपना नेशनल हाईवे जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे उस पे जाता है। अच्छा, ये सामने ये रिक्शा वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं जी, पूरा यहाँ तक अपनी फैसिलिटी मिलती बिल्कुल है? बिल्कुल फैसिलिटी मिलती है अपने पूरे मतलब घर के नजदीक तक आपको ई रिक्शा बैटरी रिक्शा जरूर मिलेंगे। यानी कि ये हुआ कि कोई कहीं से भी आता अपने ई रिक्शे से बिल्कुल मेन रोड पे उतर के घर पे चला जाता है, घर पे जा सकता है, ये सबसे अच्छा। अच्छा, अगर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से रिक्शा आते हैं यहाँ पे? देखो शिवयार मेट्रो स्टेशन से भी रिक्शे आते हैं जी, ठीक है। लोनी से आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जी, ये अपनी कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मर है? तो सभी कॉलोनी का यहाँ लगभग सभी कॉलोनी का अपना ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है। अच्छा जी, अरे जैसे यहाँ पे लोगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग अपना बना रहे हैं, कोई आपसे बनवा के लेना चाहता हो? बिल्कुल, ऐसा मकान बना के देते हैं हम, ये हम ही बनवा रहे हैं। ये आप ही बनवा रहे हैं जी। ये सामने हरी कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जी, ये फ्लैट टाइप, ये फ्लैट बने हुए हैं जी। कौन से एरिया का लगता है अपना? ये अपने एरिया का फ्लैट लगता है, लोनी का मतलब फ्लैट। तो दोस्तों फ्लैट वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं, पर हम दे रहे हैं आपको सारी हमारी बिल्कुल कॉलोनी के बराबर में ही एक नया लॉन्च हो रहा है, अडानी ग्रुप का एक वो लॉन्च हो रहा है फ्लैट एरिया। अच्छा, पूरा फ्लैट एरिया लॉन्च हो रहा है, यानी कि कोई अभी लेता है तो भविष्य में इसके रेट बढ़ने के बहुत डबल है। हमारे यहाँ पे भी जो अडानी ग्रुप है वो नहीं, उसने पूरी जमीन एक बार करी है, हमारे पल्ली तरफ की जमीन जो है सारी एक बार करी है, जो हमारी जमीन से बिल्कुल लगते हुए उसमें टोटल ही 22 मंजिला 24 मंजिला फ्लैट बनेंगे सब, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग साइड में, और पहले भी बनी हुई है, बराबर में बिल्डिंग बनी हुई है जी।
तो ये दोस्तों सबसे अच्छी चीज है यार, यानी कि हाई राइज से लगते हुए अगर आपको मकान मिल रहा है ना, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आप लोगों। चार बंद कमरे का अगर फ्लैट लेते हो तो 20-30 लाख से शुरुआत होती है। अच्छा भाई जमीन ले लो आप लोग, तो जमीन का रेट हम आपको बताएंगे वीडियो में, आप लोग बने रहना है। पर देखते हैं आसपास में और क्या क्या सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है। सीधा ही अगर आपका जैसे आपको रिक्शा वेट रिक्शा सीधा हिंडन एयरपोर्ट पे सीधा पहुँचते हैं। अच्छा जी, एयरपोर्ट पे सीधा यहाँ से, सीधा यहाँ से, यहाँ से एयरपोर्ट है कितनी दूर, कितना दूर है? 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर रहेगा। ये जो ईंटें पूरी एक लाइन से लगे पड़े हैं, यहाँ पे भट्टा उगड़ा क्या ईंट होगा? नहीं नहीं सर, ये दुकानें हैं बिल्डर्स की। अच्छा जी, सारी चीज अवेलेबल है यहाँ से, बिल्कुल आपके बिल्कुल नजदीक में ही। अच्छा जी, बिल्कुल आप ईंट रोडी डैश सीमेंट टंकी वगैरह सब कुछ आप ले सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरे मार्केट एरिया है, बिल्कुल पूरा मार्केट एरिया, बिल्कुल अपनी जमीन जो मार्केट एरिया के अंदर ही आती है। अच्छा जी, यानी कि किसी को भी दोस्तों कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो सब कुछ आपको यहाँ पे मेन मार्केट एरिया के अंदर ही मिल जाता है, चाहे ईंटें हो, कंस्ट्रक्शन करने का मतलब सारा सामान यही मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोग साइड की ओर से हम वापस जा रहे हैं, अभी आपको जो लोकेशन दिखाने वाले हैं वहाँ पे, पर आसपास आप देखोगे पूरी आपको बसावट मिल जाती है। ऊपर से यहाँ पे देखोगे तो रास्ते वगैरह मतलब प्रॉपर बने हुए हैं, आने जाने में तो दिक्कत तो यहाँ कोई है ही नहीं, पर मुख्य होती है आपकी बसावट कैसी है। तो आसपास पूरी की पूरी आपको बसावट देखने को मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों अभी हम कई चीजें आपको दिखा चुके हैं, पर अभी ऑफिस आ चुके हैं, अभी बाकी आप लोग बच्चों के करियर के, तो भैया बच्चों के लिए स्कूल वगैरह क्या मिल जाते हैं? सारे स्कूल कॉलेज वगैरह सब 500 मीटर की ही रेंज के अंदर अंदर आते हैं सारे। अच्छा जी, मतलब 500 मीटर के अंदर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह सही चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। पर अगर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले मैं मेट्रो के बारे में पूछना चाहूंगा, मेट्रो कितनी दूरी पे यहाँ पे मिलता है? मेट्रो बिल्कुल आपको 10 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, मेट्रो 10 मिनट की दूरी पे मिल जाएगा। और रेलवे स्टेशन है आसपास में कोई? बिल्कुल, रेलवे मीटर हमारा 800-900 मीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है, लोनी रेलवे स्टेशन जो है। अच्छा, जिसे लोनी जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, लोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों वो भी आपको मिल रहा है। बस ओगरा की जैसे लोकल कनेक्टिविटी, किसी को कहीं आना जाना, बस ओगरा की सुविधा कितनी दूरी पर रहेगी? ये भी 500 मीटर के अंदर ही मान के चलिए आप। अच्छा, 500 मीटर के अंदर ही आपको बस स्टैंड है, लोनी बस स्टैंड। अच्छा जी, मतलब ये सारी कनेक्टिविटी दोस्तों आप लोगों को 500-700 मीटर के अंदर ही मिल जाएगी, यानी किसी को ज्यादा दूर आने जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधा ही, कहने का मतलब 500 मीटर के अंदर सारी सुविधाएं मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं मार्केट वगैरह कितनी दूरी पे, किसी को सामान वगैरह लेना हो, जैसे हमने वैसे तो लोगों के द्वारा भी पूछा लिया था, पर होती है हर एरिया की एक बड़ी मार्केट होती है, तो वो कितनी दूरी पे लगते हैं अपना? जो बड़ी मार्केट है हमारी, बिल्कुल ये समझो 700 मीटर दूरी पे भी नहीं है। अच्छा, 700 मीटर दूरी पे, मतलब आप लोगों को सारी बड़ी मार्केट यहाँ पे मिल जाती है। एक यहाँ के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सिग्नेचर लोकेशन है, हनुमान जी का एक मंदिर होता है दोस्तों आपका, आप कहीं से भी आते हो वो लोकेशन आपके लिए सबसे प्राइम रहने है। और पूरी मार्केट इसी के आसपास आपको मिलती है, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, मोबाइल से वगैरह चाहिए, सैमसंग वगैरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, और कपड़े वगैरह की पूरी बड़ी मार्केट है। ऐसी बात नहीं, कपड़े वगैरह की पूरी बड़ी मार्केट है। अच्छा, कपड़े वगैरह की बड़ी मार्केट है। और अगर सिनेमा वगैरह की बातें जब हुई है, बातें उठी हैं, तो अगर मूवी वगैरह किसी को देखना पसंद है, वो कितनी दूरी पे रहते हैं? बिल्कुल आप ये मान के चलिए मात्र 9-10 मिनट की दूरी पे आपको सिनेमा हॉल है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं जमीन के रेट की, तो क्या रेंज स्टार्ट हो जाती है अपने पास? जो अपने पास जमीन का रेंज है जी, वो हमारी 9000 रुपए गज से स्टार्ट है, 10-11-12000 रुपए गज तक के हमारे पास में जमीन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए रेट स्टार्ट हो जाते हैं, पर अगर आपके पास एक बार में पैसा देने के लिए हिसाब किताब नहीं है, तो भैया उन लोगों के लिए क्या रहेगा जिनके पास कैश नहीं है एक बार में देने के लिए? जिनका टाइम है 9000 रुपए गज से जो स्टार्ट है जी, हमारी किस्तों की जमीन शुरू है 9000 रुपए, 10000 रुपए, 11000 रुपए गज तक स्टार्ट। अच्छा, मतलब कितना समय मिल जाता है किस्तों में? आपको 2-2.5 साल का टाइम देते हैं। अच्छा, 2-2.5 साल का, 2-2.5 साल, 3 साल का टाइम। ठीक है, जो किस्तों पे ले रहे हैं उन्हें आप रजिस्ट्री कितने पे करा के दे देते हो? 50% पे रजिस्ट्री करा देते। अच्छा, 50% पे रजिस्ट्री दोस्तों आप मिल जाएगी जो इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। जी जी। तो जो भी अपना ब्याज वगैरह कितना लगता होगा? नहीं, ब्याज फ्री है। ब्याज फ्री है, मतलब जो ब्याज मुक्त रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला आप लोगों पर। तो आप लोग यहाँ पे किस्तों पे भी जमीन ले सकते हो, और 2 साल से आपको समय मिलता है, 2 साल 30 महीने जी, 3 साल का समय मिल जाता है। अच्छा, तो इस टाइप का आपको समय मिल जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो वे कैसे आ सकते हैं ऑफिस वगैरह पे? बिल्कुल, अगर हम आपको हमारे ऑफिस आना है तो सीधा लोन या प्राशित लेके आ सकते हैं। जी ठीक है, वहाँ आके हमें कॉल करिए। ओके, वहीं आपको हम बिल्कुल भेजिए, वहाँ से आपको रिसीव कर। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्री वगैरह की बात करते हैं, रजिस्ट्री किस टाइप में अपने लोगों में जाती है? देखो, ये हमारे अभी अभी जमीन है हमारी, उसी की रजिस्ट्री कराई हमने। अच्छा, पूरी पक्की रजिस्ट्री है। ओके, सभी पार्टी को लगभग जो इतने हमारे 2 साल तक लगभग हो गए जिनकी रजिस्ट्री, हमने रजिस्ट्री करा दी है। अच्छा अच्छा, जो हमारी पुरानी साइट थी उसमें सबकी रजिस्ट्री हो चुकी है। ओके, तो इस टाइप की दोस्तों आप लोगों की रजिस्ट्री मिल जाती है, ये प्रॉपर इस टाइप में जब आप लेते हो तो 50% के बाद अपनी रजिस्ट्री करा सकते हो। और अपने अच्छा जमीन पे जैसे कोई लेता है, बुकिंग अमाउंट कितनी होगी और कब से अपना घर बनाना शुरू कर सकता है? बिल्कुल 10% 20% जमा करके अपनी बुकिंग
करवा सकते हैं, 25% जमा करके अपना मकान स्टार्ट करवा सकते हैं। अच्छा, 25% के बाद मकान बनाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली है, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पर कॉल करिए और आपको बिल्कुल सरकारी रोड नगर निगम रोड के पास लगता हुआ जमीन मिलने वाला है। तो सबसे अच्छी जमीन दोस्तों इस समय आपको यहाँ पे मिल रही है, नगर निगम के अंदर, नगर निगम के अंदर, अंदर सर, नगर निगम से लगता हुआ नहीं है, नगर निगम के अंदर है सर हमारी जमीन, नगर निगम के अंदर रहने वाली है जमीन आपके। तो दोस्तों कॉल करिए जिसके नंबर आता है। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।